है आपका फिर से अपने नए लेक्चर में। तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस। पता है पुराने स्टूडेंट्स को, तो जो नए स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, मैं आप लोगों को बता दूं हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो यूनिवर्सिटी हम कौन सी लेके चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी हम लोग लेके चल रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन दो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एमए में इन यूनिट्स की बात करें, सॉरी इन यूनिवर्सिटी की, तो यूनिट फोर्थ का पार्ट है ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा है, 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को कहीं से भी आ जाए नहीं छोड़ोगे, पक्के हैं ये 20 नंबर यदि ये सारे लेक्चर लिए हैं तो। ओडी का ऐसा कोई नहीं छोड़ा हम लोगों ने जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन सके, हर तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए है ना। तो यदि आप लोगों ने नहीं लिया तो प्लीज एक बार ले लीजिए लेक्चर, इसके लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को एंड स्क्रीन मिलती है ना, एंड स्क्रीन पे काफी सारी प्लेलिस्ट शो होती है, प्लेलिस्ट शो होती है 4-5 है ना, 4 या किसी में 2 भी लेंगी तो वहां पर आप लोगों को मिल जाती है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, फंक्शनल एनालिसिस की, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च की। तो वहां पर जाके एक बार देख लो एमए की प्लेलिस्ट, वहां पर सारे लेक्चर है इसके। ठीक है, तो यूनिट फोर्थ के बाद हम लोगों ने पकड़ी है यूनिट फर्स्ट, क्योंकि देखो अभी कोरोना के चक्कर में 2 यूनिट का चल रहा है ना, 2 यूनिट करो बात बन जाएगी, 2 यूनिट करोगे आप लोगों को, क्योंकि 50% करना है ना पेपर। देखो मुझसे एक बार कमेंट भी आ रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे, मैं भी बताती हूँ ये 50% वाला चक्कर अभी बताएंगे, एक बार पहले ये सुन लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट अभी हम लोगों ने स्टार्ट करी है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कि इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं, है ना। इक्वेशन के रूट निकालने का फर्स्ट मेथड अभी पढ़ा है, इटरेशन मेथड, उस पे बेस आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं यदि ये लेक्चर्स अभी ले रहे हो एनए के, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की, इस पेपर की कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, इस पे बेस अपन आज क्वेश्चन करने वाले हैं। अब एक बार ये थोड़ा सा बता देती हूँ, 50% वाला कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के, तो देखो जो आप 50 नंबर का पेपर करके आ रहे हो वो आपका इक्वल माना जाएगा 100 नंबर के। यदि 50 में से आपका 25 नंबर मान लो, ठीक है इजी लेते हैं, 25 नंबर आ रहे हैं आपके, तो मार्कशीट में कितने नंबर आएंगे, मार्कशीट में आप लोगों के आएंगे 50 नंबर। क्यों, अरे आप लोगों का 50 नंबर 100 के मान के चल रहे हैं ना यूनिवर्सिटी वाले, तो आप 25 करके आए हो तो आप लोगों के मार्कशीट में 50 नंबर दे दिए जाएंगे। अब मान लेते हैं सिंपल से 35 नंबर आ रहे हैं आपके, तो 50 नंबर का करते हैं उसमें से 35 नंबर का सही है, 35 नंबर का सही है तो मार्कशीट में कितने नंबर आएंगे, अरे छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन, एक नंबर के लिए क्या होगा 100/50 निकालना, किसके लिए 35 के लिए, मल्टीप्लाई 35 यहाँ से कर लो, जितने भी नंबर आ रहे हैं ना वो आपके मार्कशीट में, ये मार्कशीट वाले नंबर है, ठीक है, और ये वो नंबर है जिसका आप पेपर करके आ रहे हैं। तो 0 से 0 गई, 5 7 35, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करा 70, आप लोग 35 नंबर का एग्जाम करके आ रहे हो, आप लोगों के मार्कशीट में 70 नंबर शो होंगे, समझ आ गई क्या चक्कर है। देखो इसका फायदा भी है तो इसका नुकसान भी है, फायदा भी है तो नुकसान भी है, अब ये आप अपनी तरफ से सोचो कैसे क्या है ना, ये वाली चीज का फायदा है तो थोड़ा बहुत नुकसान भी है। अब आप लोग ये सोचो खुद ही, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं 35 नंबर का करके आ रहे हो है ना, 35 में से आप लोग 50 का तो टोटल है ही ना, तो कितने नंबर, 15 नंबर का, आप सिर्फ 15 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आए हो लेकिन आपकी मार्कशीट में से 30 नंबर कट हो गए। यदि 100 का ही करके आते तो शायद कितने नंबर कट होते, 15 काटते तो 85 नंबर आते, तो परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, एक तो 85 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहे, परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ेगा है ना। तो कई बच्चों से फायदे के रूप में भी सोचते हैं और कई बच्चों को नुकसान के रूप में भी लगता है, तो ये आप लोग देख लीजिए जैसे जिसको लग रहा है। बट ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी, आप लोग जो पूछ रहे थे कि किस तरह डिवाइड करना पड़ेगा है ना, कितने नंबर का है, क्या सीन रहेगा, इस तरह से आप लोगों को नंबर मिलने वाले हैं। यदि 35 नंबर करके आ रहे तो 70 नंबर मार्कशीट में मिल जाएंगे है ना, 35 नंबर का सही होना चाहिए, ये नहीं अपनी तरफ से 35 का करके आ रहे हो और मार्कशीट में 70 नंबर की जगह कुछ कम देखे तो अरे ये क्या,
आपके अकॉर्डिंग सही है, जरूरी थोड़ी ना सही हो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। सब कुछ बता दिया है आप लोगों को जो भी है। फाइंड द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो बाय इटरेशन मेथड। अगर ये नहीं लिखता ना तो बहुत मजा आ जाता, बस यही तक क्वेश्चन होता है। फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ तक क्वेश्चन होता था कैसे करते। अरे बहुत अच्छे से आता है, इसके फैक्टर करो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस टू एक्स है तो आप लोग माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स माइनस वन बचा, यहाँ से वन बाहर ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये क्यों हो गया, एक मिनट, फैक्टर शायद हम लोगों ने गलत कर दिए, इसके फैक्टर शायद हम लोगों ने गलत कर दिए। माइनस ये थ्री है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, ठीक है माइनस तीन एक्स में से एक एक्स रहे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। ये तो आते हैं छोटी क्लास में पढ़ते हैं, इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करा तीन आ गया, ऐसे दो डिजिट सोचो कि प्लस माइनस करने पर ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, है ना। चलो x कॉमन लिया x माइनस थ्री, यहाँ से प्लस एक कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x माइनस थ्री अब कॉमन आ गया दोनों में से, x प्लस वन अंदर बच गया इज इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू भैया तीन आ गया माइनस एक आ गया। यही हमसे कह रहा था रूट निकालो, निकाल दिए नहीं, ये कह रहा है इटरेशन मेथड से निकालो, गड़बड़ हो गई तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इटरेशन मेथड को सीखना पड़ेगा। तो डिराइव तो हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, है ना। तो अब हम लोग, यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इटरेशन मेथड हम लोगों ने क्या सीखा था, फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स के, और उसके साथ एक कंडीशन थी फाइ डैश एक्स क्या होना चाहिए लेस देन वन, बस ये इटरेशन मेथड था। हाँ इतना सा फॉर्मूला, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बिल्कुल है बहुत इजी क्वेश्चन है, बट धीरे धीरे सुनते जाओ कैसे हार्ड बनता है ये, है ना, सुनते जाओ। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था इस तरह का फॉर्म बनाइए, एक्स इज इक्वल टू फाइ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है क्या, ये मैं रफ कर रही हूँ, है ना, ये आप लोगों को समझ लिया है, अपन को रूट तो कैसे पता लग ही गया, आप हम सीख रहे हैं इटरेशन मेथड से कैसे निकालेंगे इनको। तो देखो इटरेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, है ना, ये फॉर्मूला वगैरह सब अभी मिटा दिया, लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप लोगों को एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स हमें क्वेश्चन में दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री, यही है एफ एक्स। यहाँ से मैं बताओ एक्स को क्या इस तरह से नहीं लिख सकती, फाइव ऑफ एक्स निकाल रहे हैं हम, देखना किस किस तरह से बन सकता है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले रही हूँ तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस टू ये माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर इसको उधर भेज दो थ्री प्लस का हो जाएगा अपॉन में एक्स माइनस टू, ये बन गया ये फाइव ऑफ एक्स हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास क्या आ गया थ्री अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है, डब्बे में बंद कर लो। नेक्स्ट ध्यान से देखना क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को साइड भेज रही हूँ 2x प्लस 3, तो यहाँ से x बराबर अंडर रूट में 2x प्लस 3, क्या ये हमारे पास phi of x नहीं आ गया, दूसरा क्या दूसरा हमारे पास phi of x नहीं आ गया, क्या आया है ये दूसरा वाला आया हमारे पास x इज इक्वल टू अंडर रूट में 2x प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये समझ तो आ रहा है ना स्टूडेंट्स, x ऑफ phi of x, तीसरा ध्यान से देखना कॉमन वाला कर लिया एक्स स्क्वायर कर लिया, अरे भैया ये वाला एक्स भी तो है इससे भी तो हो सकता है, चलो इसको नेगेटिव है ना इस साइड भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टॉइस ऑफ एक्स, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा इस वाले से निकाल रही हूँ मैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाय थ्री अपॉन टू, एक ये आ गया फाइव ऑफ एक्स।
आ गए, तीन आ गए, ये रहा phi of x, ये रहा phi of x और ये रहा phi of x। कौन सा काम मिले किससे आंसर निकाले, तो ये चेक करने के लिए अब यूज होगी कंडीशन कौन सी, phi dash x less than 1 वाली, किसके लिए हमें मिल रहा है। तो चलिए मैं वीडियो पॉज करती हूँ, एक मिनट इंक डालनी है, माइक्रो में अपने इंक खत्म हो गई है। देखिए phi dash x बताइए यहाँ से क्या आएगा, phi x आपको पता है, तो यहाँ से मुझे बताओ phi dash x क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन सिंपल सा, तो 1 अपॉन x का क्या होता है log x, तो 3 log x माइनस 2, ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखिए अब करते हैं अपन डिफरेंशिएशन, तो phi of x आप लोगों को पता है, phi dash x बता दो, x के रिस्पेक्ट में सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ वाली टर्म को मत देखना, phi x सिर्फ इसका करना है, तो क्या आ जाएगा 3, तो as it is आ जाएगा x माइनस 2, 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, सिंपल सा, ये कितना आ जाएगा माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से बताइए phi dash x अपने पास क्या आएगा, हम लोग तीनों को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा चीजें, phi dash x यहां से क्या आएगा, अंडर रूट x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 x, है ना, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x क्या है 2 x प्लस 3, 1 अपॉन x का यही तो होता है ना, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x का होता है यहाँ से माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ मैंने यूज करा है रूट x का, रूट x का क्या होता है डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है, सिंपल से यूज करें फॉर्मूले, तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ से मुझे बताओ phi dash x क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही बैठा रहेगा, x स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ x, और ये तीन कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया phi dash x हमारे पास 2 से भी घट गया, वेरी गुड, ओनली x, ठीक है, तीनों टर्म समझ आई। चलो ये तो आप लोगों ने पता है, मिटा देते हैं इनको, तो चलो भैया इनको तो रफ कर दिया, phi dash x पता लग चुका है हमें तीनों तरफ से, अब क्या चेक करना था, ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब देखो पहला आता है अपन को एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद जब लोग फॉर्मूला था अपने पास क्या, x k plus 1 is equals to phi of x k, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक ले ले, है ना, इनिशियल एक लेना पड़ेगा, उसके बाद इस फॉर्मूले से आगे के अप्रोक्सीमेशन निकाल देंगे। तो भैया इनिशियल कैसे चूज करते हैं, इनिशियल के लिए ध्यान रखना जो भी एफ एक्स दिया है, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं यहाँ दो चीज बताऊंगी, एक तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कैसे ले, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ से लेते हैं एफ एक्स से, ध्यान रखना दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए, और एक ये कि इस मेथड को कितनी बार लगाए, कितने अप्रोक्सीमेशन निकाले, 2 3 4 5 6 कितने निकाले, चलते कोई ना जाएंगे, क्वेश्चन खत्म भी करना है, 10 से 15 अप्रोक्सीमेशन आप लोगों ने निकालने पड़ेंगे, एमएससी की क्लास है, पीएससी में चल जाते थे 4 5 से, अब नहीं चलने वाला काम, 10 से 15 अप्रोक्सीमेशन लगाने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, बहुत हो जाते हैं मुझे भी पता है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, बट आपको निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल ही भैया टाइम है ही नहीं एग्जाम में अपने पास, तो 10 तो निकाल के ही आओ, अब बैल ही लग गई कॉपी छिल गई तो वो अलग बात है, आप लोगों के कितने निकले कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक एवरेज लेके चले, तो देखो 12 13 तो निकालो 12 13, तो 15 भी नहीं निकल रहे तो 12 13 तो निकालो, ठीक है, कैसे निकालने वो क्या सीधे बताती हूँ, पहली आती है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की बात, तो एफ एक्स हमें दिया गया है, जो भी लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यहाँ पर x बराबर माइनस 1 माइनस 2 1 2 ठीक है 3 4 या फिर माइनस 3 माइनस 4 ऐसे रख के देखिए, जब एफ एक्स का वैल्यू इस तरह से आ जाता है माइनस और प्लस के बीच में, मतलब ये यदि मैं यहाँ पर x का वैल्यू पुट करूं 1, तो अपने पास कितना आएगा f 1 बराबर देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 और माइनस 3, तो 1 माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 5 और यहाँ पे माइनस 4, ठीक है, f 2 निकालिए,
निकालिए, x बराबर 2 पुट करिए तो 2 का 4 हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 3, ठीक है। f3 निकालिए, वो भी कुछ नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है, सॉरी f3 0 आएगा, क्यों सोचो एक बार, सोचो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ करा था, सोचिए देखो एक बार, 3 का स्क्वायर 9, 3 * 6 और ये माइनस 3, तो ये सब कुछ कट पिट के आगे अपने पास 0। f4 निकाला, f4 निकाला तो 4 * 16 माइनस 4 * 8 और माइनस 3, ये कितना आ गया 8 और 3 कितने हो गए 9 10 11, 16 में से 11 गए तो 5 बचते हैं, ये प्लस का 5 है माइनस का 4 है, ये प्लस का 5 है माइनस का 4 है। जब एक बार माइनस के बाद प्लस आ जाता है वहीं पर रुक जाना है, इसका मतलब होता है कि एक और 4 के बीच में, तो एक बार प्लस आया या फिर एक बार माइनस, जैसे एक बार माइनस आया फिर प्लस, यानी अल्टरनेट साइन आ जाए ना, ठीक है, सेम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि इस इक्वेशन का इसका मतलब है एक रूट वन रूट वेरी करेगा या फिर होगा कहीं ना कहीं एक और चार के बीच में, वन रूट बिटवीन, ठीक है, बिटवीन वन एंड फोर, एक और चार के बीच में, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका एक रूट है। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ से हमें मिल जाता है, या तो ऐसा करो एक और चार का एवरेज ले लो, एक प्लस चार बाय टू, तो चार प्लस एक पांच, पांच बटा दो, तो कितना आ गया अपने पास दो दुनी चार, 2.5, ठीक है। या तो ऐसा करो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये ले लो एवरेज निकाल के, या फिर अपन क्या चूज करते हैं, कभी कभी एक भी ले सकते हैं और चार भी ले सकते हैं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है, हम वैसा चूज करते हैं। रूट का मतलब क्या है कि x की ऐसी वैल्यू जहां पर इसमें रखोगे वो x की वैल्यू, तो जीरो आ जाएगा, है ना, ये तो मतलब है ना रूट का। रूट का मतलब है x की वो वैल्यू जिसको मैं इस इक्वेशन में रखूं तो वैल्यू जीरो आ जाए, तो यहाँ से हम ऐसी वैल्यू चूज करते हैं, x की वैल्यू तो तुम लोग चूज कर रहे हो ना, तो ऐसी वैल्यू यहाँ से लेते हैं कि तकरीबन जीरो आ रहा हो, जीरो के पास आ रहा हो, ठीक है, जैसे 4.002 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पर 4 के पास आ रहा है, ठीक है, या फिर ये 4 के पास आ रहा है ना, 0 के पास नहीं, या फिर आप लोगों के पास ऐसा आ रहा है 0.0023, देखो तकरीबन 0 के पास आ रहा है। तो इस तरह के हम लोग रूट ले लेते हैं, इस तरह के अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप चाहो तो 2.5 लेके कर सकते हो, चाहो तो 4 लेकर, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर हम लोग एवरेज लेकर करते हैं, क्वेश्चन आने वाले जितने भी होंगे अपन आगे के एवरेज लेके करेंगे, लेकिन एवरेज लेकर भी कर सकते हैं, मैं कह रही हूँ और तरह से भी कर सकते हैं, इनको लेकर भी कर सकते हैं, तो ये तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ चार लेकर, यदि लास्ट वाले डिजिट जो भी आपके पास दो नंबर है उनको लेकर करें तो कैसे करते हैं, ठीक है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में कहीं दिक्कत नहीं है, किसी बुक में आपको इससे मिलेगा, किसी बुक में इनसे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो देखो एफ, यदि मैं 1 ले लूं x का वैल्यू, तो माइनस 4 आ रहा है, तो 0 के पास आ ही नहीं रहा बिल्कुल, इससे अच्छा तो यही है, इससे अच्छा तो यही है, तो मैं 2 ही ले लूंगी ना, और इससे अच्छा तो और भी यही है, जो अपन ये 2.5 ले ले, ये फिर भी 0 के पास आ रहा है, 2.5 और माइनस 3 में किसकी ज्यादा दूरी है, ये तो 3 दूर है, 3 नंबर 0 से, 2.5 ही दूर, तो आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैंने 4 भी ले लिया ना फिर भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो कैसा आएगा। तो यहाँ हम लोग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चूज करना समझ रहे हैं, या तो एवरेज ले लो या फिर ये नंबर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ले लूँ यहाँ पर 4, लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक्स नॉट से डिनोट कर रही हूँ इनिशियल को, वो मैंने ले लिया 4। तब अब हम सक्सेसिव कैसे निकालते हैं वो आप लोग देखिएगा, ये ना मैंने जो नोट करने कर लेना है ना, ये जरूर कर लेना, ये वाकई में इंपॉर्टेंट है चीजें, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, काम आती है एग्जाम में। तो x नॉट बराबर अपन 4 लेके चल रहे हैं, तीनों से मैं सॉल्व करके बता दूंगी, लेकिन कौन सा हमें लेना है, हमें तीनों की मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे आप बताओ x नॉट बराबर 4 पता लग गया, यहाँ पे 5x बताओ जब वैल्यू 4 रखें, वैल्यू यहाँ पे 4 रखो x के लिए, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 बाय 4, एक बार ये हटा ना कर लिया नोट है ना, वीडियो पॉज करके उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया, मैं एक बार इसे हटा रही हूँ, यहाँ से 5x निकालो कितने पे, 4 पे, x में बराबर तुमने 4 लिया, 4 पे निकालो क्या आएगा, माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 बाय 4, हाँ जी
कम है एक से, माइनस में है ना, कम है एक से, ठीक है। यहाँ से निकालो मुझे फाइव डस एक्स कितना आ रहा है, यहाँ से फाइव डस एक्स निकालो किस पे, चार पे, चार दूनी आठ, और ये अपना आठ और तीन कितना हो गया ग्यारह, वन अपॉन टू अंडर रूट ग्यारह। आप इसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर तो अलाउ है ना गाइस, रियल न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है, कैलकुलेट करिए, ये लेस देन वन ही आएगा, ठीक है। ये लेस देन वन, ये लेस देन वन, यानी कि ये दोनों फाइव एक्स हम लोग ले सकते हैं, इसके लिए लेस देन वन आता है वही लेते हैं ना। चलिए इसका और चेक कर लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या है चार, तो भैया फाइव डैश एक्स बराबर चार तो ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब हमने ये नहीं लेना है, ये वाला फाइव एक्स हम लोग नहीं ले सकते, ये कन्वर्जेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना है। कन्वर्जेंस की कंडीशन होती है फाइव डैश एक्स लेस देन वन, हम लोग सीखे थे प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से, तो इसका मतलब आप लोग सिर्फ ये दोनों फाइव एक्स लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आप जो चाहो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, किसी से भी कर लें, चलो दोनों से बता देंगे, इससे जरूरत नहीं है करने की क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फिर भी आप लोग चाहते हैं तो एक बार करके देख लीजिएगा, जिस तरह से मैं इन दोनों का बताऊं उसी तरह से इसका होगा, एक्स का वैल्यू, ठीक है। एक्स का यहाँ से वैल्यू निकालोगे ना आप देखना डाइवर्जेंस आएंगे, बहुत अलग अलग वैल्यू रहेंगे। चलो लास्ट में मैं बता दूंगी, टाइम मिलता है तो अपन को, यहाँ तक समझ आया हमने कैसे प्रोसेस करना है, कैसे मेथड को शुरू करना है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आ गया, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आ गया ना, बस अब तो फॉर्मूला है क्या, एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स के, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के की जगह क्या रखोगे जीरो, एक्स नोट पता है ना तुम्हें, तो एक्स वन आ जाएगा फाइव एक्स नोट, पहले मैं इस वाले फाइव एक्स को लेके चल रही हूँ, ठीक है, फिर मैं इससे बताऊंगी, फर्स्ट वाला लेके चल रहे हैं हम लोग पहले। तो फाइव ऑफ एक्स क्या है, तीन अपॉन एक्स माइनस दो, एक्स नोट चाहिए तो भैया क्या दिक्कत है, एक्स नोट लिख दो, ये लो एक्स नोट का वैल्यू है अवश्य अवश्य है, चार माइनस दो तीन बटा दो, जो भी है लिख दो, कैलकुलेटर आप लोगों के पास है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन यानी कि एक्स टू निकाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो जो यहाँ पर है ना उससे एक कम लेते हैं, बार बार ऐसे नहीं देखना है, अब हमें याद हो गया जो यहाँ पर है ना उससे एक कम लेना है, ठीक है भी। एक्स वन एक्स की जगह तो तीन अपॉन एक्स वन बाय टू, बहुत इजी है इटरेशन मेथड की क्वेश्चन, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए। एक्स वन का वैल्यू है अवश्य है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पुट करके वैल्यू जो भी है उसमें से टू को माइनस करा और फिर वही तीन में जो भी वैल्यू है डिवाइड करा, यहाँ से एक्स टू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या एक्स थ्री नहीं निकाल सकते, एक्स थ्री क्या होगा फाइव ऑफ एक्स टू, यानी कि तीन अपॉन एक्स टू माइनस टू, भी एक्स टू की वैल्यू रखो कैलकुलेट करो। इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा 10 से 15 अप्रोक्सीमेशन इस तरह से निकालने, ठीक है। चलो मैं निकाल देती हूँ, वैल्यूज लिख देती हूँ कैलकुलेटर से, देखिए यहाँ से अपने पास एक्स वन 1.5, एक्स टू का वैल्यू माइनस छ, एक्स थ्री माइनस 0.375, मैं बता देती हूँ यदि कोई भी डिजिट समझ नहीं आ रही हो, एक्स फोर माइनस 1.263159, ठीक है, इसी तरह से कैलकुलेट होगा। एक्स फाइव माइनस 0.919353548, एक्स सिक्स आया है आप लोगों के पास माइनस 1.027624, एक्स सेवन माइनस 0.990875, एक्स एट माइनस 1.003056, एक्स नाइन आया माइनस 0.998841, एक्स टेन आया है माइनस 1.000337। अब हमें इसके यहाँ नीड नहीं है, ठीक है, मैंने 10 से 15 इसीलिए कहा था, देखो यहाँ पर 10 में तीन जीरो तो आ गई, तो इसका मतलब तकरीबन जो आप लोगों के पास रूट है एक्स का वैल्यू माइनस वन ही है, यहाँ पर आप आगे करोगे और एक और जीरो आ जाएगी, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं माइनस वन के पास ही ये जाता जा रहा है, माइनस वन के पास ही जा रहा है, एक्स का वैल्यू कन्वर्स माइनस वन की ओर कर रहा है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू एक तो हमारा निकल गया माइनस वन, यानी कि माइनस वन एक इसका रूट है, क्लियर हुआ यहाँ से।
ठीक है, एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, एग्जाम में यहाँ पर ये नहीं कहा है कि हमसे सारे रूट निकालो, फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ दिस, एक फाइंड द रूट, तो हम एक निकाल के भी काम खत्म कर देंगे। ठीक है, टाइम है तो और भी निकाल दो, वैसे नीड नहीं है, हमारे जो और क्वेश्चन है ये तो भैया इजी है ना, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो वहां पर एक रूट निकाल के ही बहुत रहता है, सारे नहीं निकालने, हमसे और रूट नहीं कह रहे हैं। ठीक है, एक रूट आ गया। अब यदि मैं आप लोगों को इसका तो हो गया, इससे और बताना चाहूँ तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? अब तो आप खुद कर सकते हो, फाइव एक्स की जगह ये ले लेना अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री, एक बार ये नोट कर लो वीडियो पॉज करके जल्दी से, चलो उम्मीद है कर दिया आप लोगों ने। तो बस मैं फॉर्मूला तो यही है, यही फॉर्मूला है, इकलौता यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं है इक्वेशन मेथड में। x की जगह 2x प्लस 3 ले लो, सॉरी 5x की जगह, 5x की जगह क्या लेना है, देखो मैं इसी में कर रही हूँ, फॉर्मूला तो इकलौता यही है, यही रहने वाला है, बस 5x चेंज हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा 5x नॉट 2x नॉट प्लस 3। अब ये x नॉट की वैल्यू अपन इनिशियल के ले रखी है 4, ये कितना आ जाएगा 4 दुनी 8 और 8 और 3 11, देख लो जो भी है इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा। phi of x1 क्या हो जाएगा, phi of x1 हो जाएगा अंडर रूट में 2x1 प्लस 3, x1 की वैल्यू यहाँ से आई गई, ये लग दो कैलकुलेट कर लो, इसी तरह से भैया x2 हो जाएगा, x2 तो यहाँ से आ गया, इसी तरह से x3 हो जाएगा, कहाँ दिक्कत आ रही है, x3 क्या हो जाएगा 2x2 चाहिए है ना, 2x2 प्लस 3, x2 का वैल्यू आ जाएगा, ये इसी तरह से अपने पास ये वैल्यूज आ जाएगी, समझ आया? तो यहां से देखो मैं लिख देती हूँ अपने पास वैल्यूज जो भी आनी है, देखिए यहां से अपने पास x1 आ जाएगा 3.316628, x2 3.1037477, x3 3.0343855, 3.0114400, 3.0038109, 3.0012700। ठीक है, आगे हमें यहाँ पर पता है निकालने की जरूरत नहीं है, 10 से 15 बोल रहा था, क्योंकि देखो आप लोग देख पा रहे हैं हमने 3 के पास कन्वर्स कर रहा है x का वैल्यू, पहले 1 0 है, फिर 2 0, फिर 2 0, 3 के बाद 1, तो ये हमें कहाँ लेके जा रहा है, ये हमें 3 के पास ही लेके जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x बराबर 3, तो x बराबर माइनस 1 इससे आ गया था, x बराबर 3 आप लोगों के पास यहां से आ गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ही रूट है ना, अब तो और आने भी नहीं, वैसे भी हमें हिंट पर लगा दिया। ठीक है, तो यहां से क्लियर हुआ आप लोगों के पास x के रूट, आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं है दोनों से करो, मैंने बोला ना ऑल रूट निकाल, एक रूट निकालो और हो गया क्वेश्चन, सभी निकालने की नीड नहीं है। तो दो कंफ्यूजन बच्चों को रहते हैं, पहली बात कि सभी रूट निकाले या नहीं निकाले वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन का वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो थर्ड चीज आती है अपने पास ये, जैसे ये निकाले ना ऐसे यहाँ से निकाल लो 5x, अब ये ले लेना, इटरेशन में तो यूज करना तो समझ आई गया, यहाँ से हम लोगों ने पता है पहले निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 5x गलत ले रहे हो, ये नहीं लेना है इटरेशन मेथड के लिए, क्योंकि भैया ये ग्रेटर देन बना है, यदि लेस देन बना था तो हम लोग ले लेते, फिर भी आप लोगों की इच्छा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 5x इसको लोगे है ना, इसी तरह से सॉल्व करोगे, यही इकलौता फॉर्मूला है, तो यहाँ से x1 x2 x3 x4 के मैं आप लोगों को बताती हूँ वैल्यूज किस तरह से आते हैं। देखिए यहाँ से यदि आप लोग इसी तरह से निकालोगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा 6.5, सेकंड आएगा 19.625, 19.625, अच्छा ये 6 के बाद सीधे 19, x3 आया 191.07031, ये रूट आ रहे हैं कुछ और आ रहे हैं, x4 आया 18,252, 18252.432, ये रूट है या फिर मतलब क्या है ये रूट है, इसको यहाँ सेटिस्फाई करा देना अच्छा हो जाए। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ, ये कंडीशन हम लोगों ने पहले चेक कर ली है, तो हमें यहाँ जरूरत नहीं है इनको करने की, हम समझ गए ये कन्वर्स है ही नहीं, कन्वर्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वैल्यूज आपके पास डाइवर्स कर रही है, डाइवर्जिंग हो रहा है यहाँ पर,
ठीक है, तो इसीलिए एफ एक्स पे अपने पास रूट आ चुके हैं, माइनस एक और तीन, एक इससे आया है और एक अपने पास इससे। क्लियर हुआ? अब ऐड कर डेल स्क्वायर प्रोसेस यहाँ कैसे यूज करते हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। वहां पर एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम लोग वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया है कि कैसे इटरेशन मेथड के फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका कैसे यूज करेंगे, कैसे क्या करें, इसका इतने छुटकू से फॉर्मूला को कैसे सोल्व करें। ठीक है, बस यहाँ पर ये चीज क्लियर करी। वहां आने वाले क्वेश्चन में हम लोग एक फाइव एक्स लेंगे और उसका चेक करा कि भैया लेस देन वन आ रहा है कि ग्रेटर देन वन आ रहा है और शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे सब चीज नहीं करने वाले। ये मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से इस तरह के कर सकते हैं और कौन सा नहीं लेना है, कौन सा लेना है, ये कैसे डिसाइड होगा। क्लियर? तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो नोट करना है नोट करिए, मैं साइड हो जाती हूँ। अदरवाइज अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बढ़िया से एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे जो आते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और अपने मत्स्य यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, सो बाय बाय, वेरी वेरी गुड क्लास आप लोगों ने ली इसके लिए।